सो गए, बेहोश हो जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। तो हमें वो भी रिएक्शन, उनका एक्सप्रेशन भी देखना पड़ता है कि अभी ये जाने वाला है, अभी जाने वाला है, अब तो गया, कंफर्टेबल हो, डर लग रहा है, बता दे अभी, अभी मौका है तेरे पास। लड़के का फॉर्म कुछ कांड वांड हुए तो देख लो जीपी वालों। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू इस व्लॉग। आई सब अच्छे होगे। तो आज मेरा दोस्त ध्रुव, ओ भाई क्या हालत है रे, ठीक है। तो आज ये लड़का भाई टैटू कराने वाला है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक टैटू आर्टिस्ट यूके में कितना अर्न कर सकता है। इंडिया वाला है, इंडिया वाला है, हाँ तो यूके आके कितना अर्न कर सकता है वही बताऊंगा, ठीक है। तो वो पर आर कितने चार्जेस लेता है, और इसका जो टैटू है वो भी दिखाऊंगा, और ये कितना का बनवा रहे वो भी बताऊंगा। भाई बड़ा टैटू का मतलब है बड़ा खर्चा, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई टैटू का कितना खर्चा आ जाता है यूके में, ठीक है। अगर आप टैटू आर्टिस्ट हो ऑलरेडी इंडिया में, तो आप यहाँ पर आके कितना अर्न कर सकते हो पर आर, और पर मंथ कितना अर्न कर सकता है एक टैटू आर्टिस्ट यूके में, ठीक है। और ये भाई, ये बंदे को इसको मैसेज करो भाई, ये जॉब दिला रहा सबको। मैं कहाँ से इतना, मेरे को इतने मैसेज आते हैं कि भाई जॉब चाहिए, जॉब चाहिए भाई, बहुत मुश्किल है फिलहाल तो, जैसे मैं अभी ढूंढना जॉब। रोहन टैटू स्टूडियो, टैटू स्टूडियो में दिखाता हूँ, देख लो। ये हमारा स्टूडियो, हमारा नहीं मतलब भैया का, ठीक है। कितना मस्त है यार, स्टैचू भी यहाँ पे, ये देखो। सो डिज़ाइन तो बता अपने फ़ोन में कौन सा डिज़ाइन बनवा रहा है, ये देखो भाई डिज़ाइन इसका बहुत सुंदर है यार। अच्छा बनवा कहाँ रहा है, अच्छा यहाँ पे, क्या दर्द होगी होती है, अच्छा हाँ ऑब्वियसली होगी। ये जब ये वाला बनवाया था तो पहले नहीं थी, हाँ कितने टाइम तक दर्द रहती है ये पूरा, हाँ ये पूरा 4 आवर्स, 4 घंटे में बना है और पेन हुई है, मतलब जब बन गया तो कितनी देर तक पेन रही, एक दिन क्या बात कर रहा है। अच्छा वैसे ये वाला भी बड़ा मस्त है, इसने बैक भी बनाया अपने विंग्स ने, बाद में दिखाते कोई। लड़के का फॉर्म कुछ कांड वांड हुए तो देख लो जीपी वालों, करते तो कुछ नहीं है लेकिन चल कोई नहीं। ये देख लो भाई कितना फॉर्म फिल करवाते हैं पहले, कितना खर्चा आ रहा है वो बता। 425 कितना टाइम लगेगा बनने में, 5.5 घंटे। यहाँ पे इसके करीब 450 pounds लग रहे हैं, जबकि इसका जो टाइम है ना, टाइम ड्यूरेशन वो 5.5 घंटे के आसपास है। 5.5 घंटे लगेंगे ये टैटू बनने में, सीरियसली 5.5 घंटे बहुत होते हैं यार। मैं आपको ना इनका प्राइस लिस्ट बताता हूँ, रुको। अच्छा दोस्तों रुको तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ भाई, अगर आप यूके आने वाले हो या प्लान कर रहे हो ना यूके आने का, और अगर आप चाह रहे हो कि आपकी अकोमोडेशन बुक नहीं हो रही है, तो भाई आप जल्दी से ना, मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूँ एम्बर स्टूडेंट का, जल्दी से लिंक पे क्लिक करो और अकोमोडेशन पहले से ही प्री बुक करके आओ, क्योंकि भाई सितंबर इनटेक है, जनवरी भी आने वाला है भाई, कमरे मिलना मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले से बुक करके आओ, प्री बुक कर कर आओ, मेरे दिए गए लिंक से अगर आप बुक करते हो तो आपको 50 pounds का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ 5,000 pounds तक आप सेव कर पाओगे, ठीक है, ईयरली, ठीक है, जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, जिससे आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस बचेंगे। तो मेक श्योर आप अकोमोडेशन बुक करके आना। तो चलो देर नहीं करते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। ये तो दे दे उनको। डर लग रहा है, बता दे अभी, अभी भी मौका है तेरे पास, अभी इतनी बार की आप साले। भैया से कभी किसी क्लाइंट को छींक आ जाए, खांसी शुरू हो जाए, फिर क्या करेगा कोई? टैटू बनाते के दौरान मुझे रोकना पड़ेगा, हाँ वही, अगर वो मुझे नहीं रोकता तो भी फिर हमें पता तो चल जाता है कि ये भाई कुछ करने वाला है। तो है मतलब आप उसके नीडल ऊपर कर लोगे ऐसा? अच्छा मुझे लगा ऐसे दबा के रख दी, तो रख दी 5.5 घंटे घूमेगी। इंसान है हम, रॉबर्ट नहीं। काम शुरू रहेगा, कभी कभार लोग हम टैटू कर रहे होते हैं और सो गए, बेहोश भी हो जाते हैं, तो हमें वो भी रिएक्शन, उनका एक्सप्रेशन भी देखना पड़ता है कि अभी ये जाने वाला है, अभी जाने वाला है, तो जाए उससे पहले भाई। ओए तू खाना खाया कभी? भेज दिया इसको सुबह से, भाई आया
पूछा उसको ब्रेकफास्ट किया उसको नहीं करके आई है अभी किया भाई। अच्छा बाजू मोड़ दे अपनी आप देखो और पीछे से देखो तो यहाँ तक आ रहा है यहाँ पर हम थोड़ी शेडिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप देखते हो तो भाई बहुत सुंदर लग रहा है लिटरली बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो गया कंफर्टेबल हो अपना खोल नहीं किया था अब तेरा कुछ नहीं हो सकता अब तू गया बेटे पर ये चेहरा यहाँ तक था बिकॉज ये टैटो ऑलरेडी यहाँ तक है हमको इसको मूव करना पड़ा थोड़ा सा तो ये साइड पे हमारे पास फेस है ये साइड दिख रहा है तो ये साइड पे हम लोग ये फायदा लेने की कोशिश करते हैं ठीक है। यार ये तो बड़ा मुश्किल है यार मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया ये सब बनाते हुए बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई कंफ्यूजिंग है भाई मतलब मेरे को अगर मेरे बनाने में कभी डेट हो तो मेरे को ऐसा कैसे तीन में यही पेज चिपका दूँ तेरे हाथ ऐसा आपको जम रहा है ये निकालो या चलेगा चलेगा भाई श्योर अभी जय श्री कृष्णा करते हैं हड्डी भी बन रहा है अभी तभी दर्द हो रही तेरे को तभी चिल्ला रहा है हाँ वही इधर ही तो नॉर्मल इधर ही तो बोले तो कुछ नहीं होगा तेरे को टेंशन मत रो मत भाई कुछ नहीं होता कब तक का टाइटल भी मिल गया टैटो बना के मारा भाई ने टैटो आर्टिस्ट को गाली दी शॉप में हुआ झगड़ा उसके साथ आएगा बहुत भी 2 सेकंड में दिया ध्रुव ने रो तक ने मार रखा अगले ने ओ भाई स्टाइल खराब हो जाएगा तेरा हमका फीलिंग आया कि हम उका फैशन बिगाड़ दिया था ले लिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया फोन मांग रहे मेरे से ले ले फोन ये ले ये ले अभी ये ले ले नाटक मत कर भाई मस्त लग रहा है कैसा लग रहा है शेन मत कर भाई तो शेड करना पड़ेगा करा ले भाई शेड बाद में करा ले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है ना मुड़ के दिखा थोड़ा मुड़ तो अच्छा हो ही अरे तो कंप्लीट हो गए हल्का सा बचा है ना हाँ यहाँ से नीचे से बचा हो ही गया वैसे तो मस्त लग रहा ब्रो एक बात तो है ध्रुव रोया नहीं यार तू नहीं रोया नहीं तू शाबाश वेरी गुड भाई इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना सुबह 11 बजे का बैठा हूँ इसका टैटू इसका बन रहा है भूख मेरे को लग रही है भैया ऐसे कस्टमर्स भी आते होंगे आपके पास जो टैटू बनाते टाइम रोते होंगे वो ड्रामा क्वीन होते हैं रोते तो कोई भाई
तो तू मेरे को क्यों मार रहा है? वो नहीं है भाई, अभी मजा आएगा बिलो भाई साहब। भाई मशीन की बैटरी डेड होगी और दूसरी जो बैटरी थे वो भी डेड। पीछे मोर का पंखा भी बन रहा है यहाँ पे। हथियार रेडियो जो बड़ा वाला ही ना भाई ये है ना बड़ा वाला चाहिए। हाँ अभी जल्दी हो जाएगा ना जल्दी हो जाएगा। इसके बाजू देख रहे कैसे पकड़ी उसे दिल पकड़ लिया अपना भैया। तू क्या है इधर काने तू इधर देख बहुत पेन है बहुत। हाँ भाई कैसी लगी? अच्छा आ गया स्वाद बहुत आ गया स्वाद। फिर कभी आके शेडिंग कराना ठीक है। इशारे से बहुत दर्द होती है ये सब ऐसे करने में। साफ ध्रुव सपोज कर ऐसे तेरे बाजू पकड़ लूं नहीं। हाँ ये पकड़ ये आ जा। हाँ? भाई लड़के ने मनवा ली टैटू अपना ये देखो। भाई कितनी देर तक लगा के रखना है सर? जस्ट 3-4 hours। ये अच्छा सो ये वाली प्लास्टिक आपको कम से कम 2-3 घंटे के बाद निकालनी है। जब प्लास्टिक निकालोगे तो इस तरह ब्लड निकला हुआ दिखेगा। नो नीड टू वरी प्लास्टिक को निकालो। ओके वॉश इट विथ लुकवॉर्म वाटर। यू कैन यूज एनी फ्रेग्रेंस फ्री सोप। ओके बट आप डायरेक्ट सोप या डायरेक्ट लिक्विड नहीं लगा सकते टाटू पे। मेक अ फोम फर्स्ट। आई कैन यूज लुकवॉर्म वाटर विद सॉल्ट राइट? सॉल्ट नहीं मेरे भाई। कौन सॉल्ट नहीं सॉल्ट नहीं यूज़ कर सकते। सोप मैंने बोला ठीक है। सोप डायरेक्ट लिक्विड नहीं और बस क्रीम लगाते रहो। अभी क्रीम बहुत पतला लगाना है। लिप बाम लगाते रहो वैसा। ओके एकदम थिक लेयर नहीं लगाना है। और नाइट टाइम अगेन वॉश योर टैटू विद टिश्यू पेपर। लेट इट ड्राई फॉर 5-10 minutes नेचुरली। पुट द क्रीम ऑन। पुट द न्यू क्लिप फिल्म ऑन योर टैटू। ओके सो फॉर मिनिमम 1 week ओनली व्हेन यू स्लीप यू हैव टू यूज क्लिप फिल्म। व्हाट क्लिप फिल्म? प्लास्टिक जो है अच्छा वो जैसे फॉइल पेपर होता है वैसे क्लिप फिल्म होता है ना। तो वो क्लिप फिल्म जस्ट 1 layer या 1 जस्ट फॉर 1 week ओनली द नाइट या only when you sleep whenever you sleep yeah daytime leave it open yeah you know after 5 or 6 days ke baad iske pe se scab niklega so don't try to remove that let it go by kya niklega skin acha hello price list ye aaj ke hisab se paise lete hain theek hai ye bhi aapka card hai theek hai rohan tattoo studio 2014 se theek hai ye dekh lo bhai chalega वैसे हमारा टाइम काफी ज्यादा हो गया फिर भी आपको जो बोला ठीक है। ओके वेरी नाइस मीटिंग यू ठीक है बॉस ये फिर से आएगा टैटू बनवाने के लिए। अरे पक्का पक्का थैंक यू सो मच। चलो भाई टैटू वैटू करा लिए बंदे ने। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई प्रिकॉशन लो अच्छे से। लेकिन भाई भैया जो थे ना जिन्होंने टैटू बनाया लिटरली भाई बड़े अच्छे से गाइड किया बहुत अच्छे से समझाया कि भाई प्रिकॉशन कैसे लेने। इनफैक्ट इसको पेज तक पकड़ा दिया जिसमें सारे सारे प्रिकॉशंस वगैरह लिखे हैं कैसे लेने कैसे नहीं। बाकी भैया बड़े मस्त बंदे थे और बड़े चिल थे। अगर आपने कभी किसी ने भी टैटू कराना हो ना भाई इनके पास आ जाओ मेरा नाम ले लेना ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे ही देंगे। डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा बिल्कुल मिलेगा ठीक है। ठीक है भाई खाना वाना खा लिया हमने क्या जा रहे घर पे मैं भी लगा घर जाने। ठीक है भाई टैटू बड़ा अच्छा था ध्यान रखना ठीक है। तो भाई अब चलते घर पे। भाई मेरे को अभी भी बड़ी ज़्यादा भूख लग रही है भाई एक बर्गर और एक रैप से क्या ही होता है। चलते हैं घर पे कुछ खाते पीते हैं। और उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आपको टैटू आर्टिस्ट अगर आपको सीखना है कि आपको टैटू कैसे बनाने हैं है ना वो सब तो आपको कम से कम 1500 pounds देने पड़ेंगे और ये 2 महीने का कोर्स होगा ठीक है। तो आप टैटू बनाना सीख सकते हो कि कैसे बनाते हैं। तो साथ ही साथ आपको 2 महीने के बाद सर्टिफिकेट भी ये इशू करके देंगे और उसके बाद आपको ये काम भी देंगे अपनी ही शॉप पर। तो ये काफ़ी सही चीज़ है यार। लेकिन 1500 pounds थोड़े ज़्यादा हैं बट मेरे हिसाब से तो भाई बहुत वर्थ इट होने वाले हैं क्योंकि यार एक मतलब पर आर 60 pounds भी चार्ज कर सकते हो आप और जबकि ये कर भी रहे हैं जबकि इनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इनकी तरफ से भी अगर आप इनसे सीखते भी हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही बात है क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन सिखाएगा तो फिर बहुत जल्दी आप सीख भी पाओगे है ना। और पर आर 60 pounds भाई काफ़ी ज़्यादा होते हैं सही में। और कमेंट में भी बताना कि भाई का टैटू था कैसा। तो अब चलते हैं घर पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना। कुछ भी सजेशन या कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो और शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको टैटू आर्टिस्ट बनने का शौक है। सो टिल देन टेक केयर स्टे हेल्दी स्टे फिट सो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।